नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक में आखिरकार कौन होगा सीएम, इसको लेकर सियासी हलचलें काफी तेज हो गई थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दो चेहरे सबसे दिग्गज चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों में से आखिरकार वो किसे यहाँ पर सीएम की कुर्सी पर काबिज रखेंगे। इसी बीच आपने ये देखा होगा कि DK शिवकुमार लगातार कांग्रेस के खिलाफ भी बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उनसे ये पूछा गया था कि आखिरकार अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप दिल्ली क्यों नहीं पहुंचते, बैठक में क्यों नहीं जाते, तो तमाम जवाब देते हुए वो नजर आते हैं कि यहां पर आखिरी फैसला आलाकमान का होगा, सोनिया गांधी का होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा, तो ऐसे में वो जो भी फैसला लेंगे वो उसको मानते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका खुलासा हो चुका है। अब सिद्धरमैया ही कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक के अगले सीएम होंगे साफ तौर पर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 4 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम का नाम फाइनल कर लिया है। पार्टी ने एक बार फिर सिद्धरमैया के ऊपर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी तब भी यहां पर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में देखे गए थे। अब दूसरी बार यहां पर सिद्धरमैया को लेकर कांग्रेस ने अपना दावा किया है। अब इसके मुताबिक आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर मोहर लगा दी है। कर्नाटक सीएम की रेस में सिद्धरमैया अपने प्रतिद्वंदी यानी कि DK शिवकुमार पर भारी पड़ चुके हैं। वो अब कल शपथ लेंगे और वहीं DK शिवकुमार की सरकार में शामिल होने पर अभी भी लगातार सस्पेंस बरकरार दिखाई दे रहा है। वैसे में आपको बता दें कि सिद्धरमैया की चुप्पी ये साबित करती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस उनके ऊपर दांवपेच आजमा सकती है और वो सही साबित हुआ। कांग्रेस की तरफ से अब यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया होंगे और जो वो जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कांग्रेस की तरफ से लिया गए इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में क्या आप उन्हें सही साबित मानते हैं, क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।